Good morning student, today we start new chapter of civics class 7 that is institutional representation of democracy. In this chapter we discuss universal adult franchise, type election and types of election, political party and coalition government. At first, we discuss, discuss about institutional representation. What is the meaning of institutional representation? India is a very vast country, and it is not uh, happen that we all are gathered in one place and then directly solve our problem. जस्ट लाइक इन योर क्लास यू ऑल आर इन फोर्टी फाइव और फिफ्टी इन नंबर्स यू चूज ए मोनिटर एंड दे रिप्रजेंट योर क्लास मोनिटर जो होता है वो पूरे क्लास का रिप्रेजेंटेशन करता है आपकी जो भी समस्या है वो क्लास टीचर को बताता है प्रिंसिपल को बताता है तो आप सारे चालीस और पचास आदमी का रिप्रेजेंटेशन एक आदमी कर रहा है एक लड़का कर रहा है उसी तरह यहाँ पे भी है कि इंडिया जो है बहुत बड़ा डाइवर्स कंट्री है और ये संभव नहीं है कि सारे लोग मिल करके बैठे और किसी समस्या का हल करें तो क्या होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है और यहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेशन मतलब कि हम अपने प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेशन मतलब कि प्रतिनिधि तो हम अपने प्रतिनिधि के द्वारा जो है वो काम करते हैं और जैसे मान लीजिए देखिए कि दॉमिनल हेड ऑफ सेंटर आप जानते हैं राष्ट्रपति जो होता है वो नॉमिनल हेड है लेकिन नॉमिनल लेकिन वास्तविक में जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन हो गए प्राइम मिनिस्टर वो रियल पावर का इस्तेमाल करते हैं शक्ति पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास है लेकिन उन पावर का इस्तेमाल कौन करते हैं तो उन पावर का इस्तेमाल जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं और ये एक टर्म आता है लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर मैंने विधायिका कानून बनाने वाली एक क्वेश्चन भी आपका है यहाँ पे डायरेक्ट व्हाट इज लेजिस्लेचर तो हम लोग बोलेंगे दी लेजिस्लेचर इज दी लॉ मेकिंग ब्रांच ऑफ दी कंट्री लॉ मेकिंग ब्रांच जो कानून को बनाता है उसको हम लोग लेजिस्लेचर बोलेंगे कैसे कानून कहां से बनता है अगर आप देखिएगा तो पार्लियामेंट से बनता है तो देश के लिए जो कानून होगा वो पार्लियामेंट से बनता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा तो वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं और राज्य की बात करेंगे तो राज्य में विधानसभा जहां से राज्य से संबंधित कानून बनते हैं तो नेशनल लेवल पे हो गया लोकसभा राज्यसभा स्टेट लेवल पे हो गया आपका विधानसभा जहां से कानून बनते हैं लेजिस्लेचर जो हो गया कानून बनाने वाले आप जानते हैं लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी अब आगे बोल बताता है यहां पे कि रिप्रेजेंटेशन जो है या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हमारा है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में पहले ही बताया आजकल विश्व के सभी भागों में सभी डेवलप्ड कंट्री में आप जहां पे डेमोक्रेसी है वहां पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का फॉर्म ही देखिएगा तो वहां पे इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन जो है ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है पहला इलेक्शन दूसरा रिप्रेजेंटेशन और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीनिंगफुल होगा कब जब इसके सारे लोगों को वोट देने का अधिकार हो और सारे लोगों का मतलब क्या हुआ फ्रेंचाइज इन द राइट टू वोट अवेलेबल इन इंटायर एडल्ट पॉपुलेशन वो आदमी जो 18 साल से ऊपर है या 18 साल के हैं एटलीस्ट देखिए वोट डालने का अधिकार या सभी डेमोक्रेसी में अचानक से सभी लोगों को सारे अधिकार नहीं मिल गए ये हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे थ सेंचुरी तक जो था वो राइट टू वोट जो था वो लिमिटेड था वो प्रॉपर्टी और लैंड के आधार पे जिनके पास प्रॉपर्टी होता था जमीन होता था उन्हीं को राइट टू वोट का अधिकार था और वोमेन को तो वोट देने का अधिकार नहीं था नाइनटीन हंड्रेड एडी में न्यूजीलैंड वाज दी ओनली कंट्री वेयर एवरी हैव वोटिंग राइट अभी हाल तक सऊदी अरेबिया जैसे देशों में वोट डालने का अधिकार महिलाओं को नहीं था बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे वोट के में डिस्क्रिमिनेशन होता है लेकिन न्यूजीलैंड एक पहला कंट्री बना जहां पे सभी एडल्ट जो 18 साल से ऊपर हैं सबको वोट डालने का अधिकार मिला अब आगे देखिए यहाँ पे है कि फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में ऑल मैन एंड वेमेन वी हैव अटेंड ए मिनिमम प्रिस्क्राइब देखिए अपने भारत में भी पहले इक्कीस साल था अभी कितना है अट्ठारह साल मिनिमम एज है तो मिनिमम जो अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपके घर में कितने मेंबर हैं जो वोट डालते हैं और उनसे पता कीजिए कि कब उन्होंने वोट जो है वो पहली बार कितने उम्र में डाला ठीक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो 18 ईयर एज 18 ईयर मतलब राइट टू वोट अब यहां पे हो गया क्या कि सभी 18 साल से ऊपर आदमी को वोट देने का अधिकार है तो बोलता है कि हां बस ओनली क्रिमिनल्स जो क्रिमिनल्स होंगे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जो मतलब कि आप कह सकते हैं कि जिनका दिमागी स्तर ठीक नहीं है पागल कह सकते हैं बैंक वो बैंक से जो लोन लिए हुए हैं वो पूरा पुर, नहीं किया दिवालिया कह सकते हैं बैंक इन सबको वोट डालने का अधिकार नहीं होता है जनरली वाई आर इलेक्शन कंसिडर एसेंशियल फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अब बोलता है इलेक्शन जरूरी क्यों है डेमोक्रेसी में तो इलेक्शन एसेंशियल है क्योंकि इलेक्शन जो है इलेक्शन के द्वारा हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और अगर हमें लगता है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव ठीक से काम नहीं करता है तो हम उसको बदलते हैं इलेक्शन ही एक जरिया है जिससे हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो गवर्नमेंट बनाने में मदद करते हैं इस तरह की पॉलिसी लाते हैं या उनके पॉलिसी को देख करके हम उनको चुनते हैं देखते हैं कि वो हमारे लिए हमारे देश के लिए हमारे राज्य के लिए हमारे गांव के लिए और हम वेलफेयर ऑफ आवर पीपुल हमारे भलाई के लिए हमारे लिए कानून बनाएगा हम हमसे संबंधित पॉलिसी लाएगा बट व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक क्या है जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है तो वन पर्सन वन वोट मतलब क्या होगा कि प्रत्येक आदमी को एक वोट डालने का अधिकार होगा और उसके वोट के वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी चाहे वो किसी भी पद पे होगा कोई भी आदमी होगा जैसे एक मजदूर के भी वोट का वैल्यू वही होगा जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर के वोट का वैल्यू होगा और दूसरा है फ्री एंड फेयर मैन, मैनर है. मतलब इलेक्शन कैसा होना चाहिए फ्री और फेयर ये नहीं कि डर करके किसी के दबाव में आकर के वोट देना होगा तो अब सही रूप में डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या रूल ऑफ लॉ फॉलो होगा इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस इलेक्शन कमीशन ओके थैंक यू थैंक यू वेरी मच